वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। इस वक्त आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ में शिया स्कूल का। आज हम डिस्कस करेंगे ये स्कूल सुन्नी स्कूल शिया स्कूल क्यों डिवाइड हुए थे, क्यों ये अलग अलग ग्रुप बने, ये अलग अलग सेक्ट बने, क्यों बने थे। क्योंकि आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब जो हमारे स्पिरिचुअल के लीडर थे प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी डेथ के बाद उनकी पोजिशन यानी कि स्पिरिचुअल लीडरशिप कौन होल्ड करेगा, इसी बात पर कंफ्लिक्ट हुआ था। तो एक सेक्ट कह रहा था, एक ग्रुप कह रहा था कि वो इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए जो हमारा स्पिरिचुअल लीडर है, और एक सेक्ट कह रहा था कि वो हमारा सक्सेशन के थ्रू होना चाहिए, जो भी उनके नॉमिनीज हैं, जो भी उनके फैमिली मेंबर हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, उनके थ्रू वो लीडर बनने चाहिए। तो जो ग्रुप हमारा कह रहा था कि इलेक्शन के थ्रू हमारा लीडर चुना जाएगा, तो वो ग्रुप क्या हो गया, सुन्नी ग्रुप हो गया, सुन्नी स्कूल हो गया। और जो सेक्ट हमारा कह रहा था कि हमारा सक्सेशन के थ्रू, नॉमिनीज के थ्रू या फैमिली मेंबर्स उनकी पोजीशन को होल्ड करेगा प्रॉफिट मोहम्मद जी की, स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ इस्लाम बनेगा, तो वो क्या बन गए, शिया स्कूल बन गए। होपफुली आपको समझ आया। शिया स्कूल में अली वाज द फर्स्ट इमाम ऑफ द शिया कम्युनिटी। अली कौन था, फर्स्ट इमाम था कौन सी कम्युनिटी का, शिया कम्युनिटी का। आफ्टर द डेथ ऑफ अली, देखिए इसमें मैं बहुत आराम से खींचूंगा जिससे क्लियर हो, क्योंकि इमाम कौन सा इमाम पहले बना, कौन सा इमाम बना, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आफ्टर द डेथ ऑफ अली, अली के मरने के बाद उनके दो सन थे, क्या थे, हसन एंड हुसैन, बिकम द सेकंड एंड थर्ड इमाम रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट इमाम कौन थे हमारे, अली थे। अली के दो बच्चे थे, दोनों बच्चों का नाम क्या था, दो सन का नाम था हसन एंड हुसैन। तो हसन बना हमारा सेकंड इमाम एंड हुसैन हमारा बना थर्ड इमाम। आफ्टर हुसैन डेथ हिज सन जैनुल अब्दीन सक्सीड एज फोर्थ इमाम। हुसैन के बाद कौन बने थे हमारे, जैनुल अब्दीन कौन थे, वो फोर्थ इमाम बने थे। जैनुल अब्दीन, जैद एंड बकीर। अब जैनुल अब्दीन के दो लड़के थे, क्या, जैद एंड बकीर। यहां हुआ फर्स्ट स्प्लिट कि अब कौन इमाम बनेगा। टुक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ जैनुल अब्दीन। जैनुल अब्दीन के बाद फर्स्ट स्प्लिट हुआ था उन दोनों के लड़कों के बीच में, अब कौन लेगा इमाम की पोजीशन। वेयर सम एक्नॉलेज जैद एज देयर इमाम, बट द मेजॉरिटी फॉलोड मोहम्मद बकीर एज अ फिफ्थ इमाम। कई पर्सन्स कहते कि हमारा जैद बनना चाहिए, कई कह रहे थे बकीर बनना चाहिए, तो कई जो मेजोरिटी थी उसने फॉलो करा किसे, बकीर एज अ फिफ्थ इमाम। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर बकीर्स डेथ उनका जो सन था, क्या नाम था, जफर सिद्दीकी, बिकम सिक्स्थ इमाम ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप। अपॉन द डेथ ऑफ जफर, जफर की डेथ के बाद देयर टू प्लेस द सेकेंड स्प्लिट। पहला स्प्लिट कब हुआ था हमारा, जहां जैद एंड बकीर के बीच में हुआ था, एंड सेकेंड स्प्लिट कब हुआ, जो जफर की डेथ हो गई, तो शिया कमिटी का क्या था, ये सेकेंड स्प्लिट था। ही हैड टू सन्स, इस्माइलिया एंड मुजा कासिम। तो यहां हमारे दो स्प्लिट हुए थे शिया कम्युनिटी में, फर्स्ट हमारा किस किस के बीच में हुआ था, जैद और बकीर में, एंड सेकेंड स्प्लिट किस में हुआ था, इस्माइलिया एंड मुजा कासिम। जो हमारे शिया कम्युनिटी के सब स्कूल को आज हम डिस्कस करेंगे, अतना शारियन, इस्माइलिया एंड जैदिया स्कूल। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिक्स्थ इमाम जफर अंडर द शिया कम्युनिटी आफ्टर सुन्नीज, द शियास कंसिस्ट द नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया। जो हमारा शिया कम्युनिटी है वो हमारा क्या है, हमारा लार्जेस्ट ग्रुप है, किसका, मुस्लिम कम्युनिटी का, किसमें, इंडिया में, किसके बाद, सुन्नी के बाद। फर्स्ट हमारा सुन्नी फॉलो कर रहे थे, और सुन्नी के बाद कौन सा हमारा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मुस्लिम, शिया कम्युनिटी। द शियास डू नॉट एक्सेप्ट एनी ट्रेडिशन। तो शिया कम्युनिटी है, शिया स्कूल है, वो कोई भी ट्रेडिशन को एक्सेप्ट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू शियास, इमाम इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। कि जो इमाम कहेगा, इमाम क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉ है, कि जो उसने बोला है वही लॉ है। अतना शारिया, आफ्टर द डेथ ऑफ जफर, सिक्स्थ इमाम मेजॉरिटी ऑफ द शिया फॉलोड द यंगर सन ऑफ जफर, मुसा कासिम। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इराक बिलोंग्स टू द सेक्ट। अतः अशारिया में क्या गया है, जो हमारे सिक्स्थ इमाम थे, सिक्स्थ इमाम कौन थे, जफर थे, उनकी डेथ के बाद उनका जो सन था कौन, मुसा काजिम, उसे फॉलो करने लगे मुस्लिम्स। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इराक बिलोंग्स टू द सेक्ट। जो इराक की मुस्लिम पॉपुलेशन है, लगभग आधी पॉपुलेशन किसे बिलोंग करती है, किसे फॉलो करती है, हमारे अतना अशारिया को। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस्माइलिया, आफ्टर द डेथ ऑफ जफर, माइनॉरिटी ऑफ द शियास फॉलोड हिज एल्डर सन इस्माइलिया, and hence came to know as Ismailiyas. Originally the Ismailiyas school prevailed in Egypt. जो हमारे Ismailiya group है, ये कहाँ prevail करता है, हमारे Egypt में करता है। तो देखिए, जफर की death के बाद split हुआ,
उनके दो लड़के थे, फर्स्ट कौन था, मूसा काजिम, दूसरा कौन था, इस्माइलिया। तो इन दोनों में जिस पर्सन ने इस्माइलिया को फॉलो करा वो कौन से ग्रुप में आ गए, कौन से स्कूल में आ गए, इस्माइलिया ग्रुप में आ गए। जिन पर्सन ने मूसा काजिम को फॉलो करा वो किस में आ गए, हमारे अपना अशार। थर्ड स्कूल जैदियास। आफ्टर द डेथ ऑफ फोर्थ इमाम, फोर्थ इमाम की डेथ के बाद वन फ्रैक्शन ऑफ द शिया एक्सेप्टेड हिज सन जैद एज देयर इमाम एंड हेंस दे कम टू बी नोन एज जैदियास। जिन पर्सन ने जैद को फॉलो करा वो पर्सन किस में आ गए, हमारे जैदियास में आ गए। जिन पर्सन ने सिक्स इमाम के बाद यानी कि जफर की डेथ के बाद इस्माइलिया को फॉलो करा तो वो हमारा कौन सा स्कूल हो गया, इस्माइलिया स्कूल हो गया। अतना अशारे जिस पर्सन ने जफर के बाद जिस ग्रुप ने, जिस मेजोरिटी ग्रुप ने किसे फॉलो करा, हमारा मूसा काजिम को फॉलो करा, वो हमारे क्या हो गए, अतना अशारे हो गए। होपफुली ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है विदाउट हेजिटेशन आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम डोवाल .22 में DM कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो और मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज। थैंक यू।